अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ अपने शूज़ का विज़िट, कि मेरे पास किस तरह के शूज़ हैं। कुछ लोअर क्वालिटी हैं, कुछ अच्छे वाले हैं। तो आज मैं आपको विज़िट करवाऊँगी कि मेरे पास जो है वो कौन कौन से शूज़ हैं। और मैं आज आपको ये भी दिखा दूँ कि मैंने आज कौन से शूज़ पहने हैं। तो जी, मैं जी आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने आज जो है वो कौन से शूज़ पहने हैं। अच्छा जी, ये देखें कि आज मैंने वही वाले शूज़ वेयर किए हैं जो उस दिन मैंने लंडा बाज़ार से ख़रीदे थे। और ये देखें जी, माशाल्लाह ये इतने कम्फर्टेबल हैं और मज़े के हैं और पहने हुए इतने खूबसूरत लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। तो ये देखें, मज़ा आया है मुझे पहन के। तो मैं इसको पहन के प्राउड फील कर रही हूँ कि आज मैंने लंडे के शूज़ पहने हैं। कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी हाई हील भी फील नहीं हो रही। वीवर्स, मैं अभी कॉलेज से आई हूँ और आते ही मैंने अपनी कबर्ड से सारे शूज़ बाहर निकाले हैं, इनको अच्छे तरीके से क्लीन किया है। क्योंकि कबर्ड में रख के अगर मैं आपको दिखाती तो वहाँ पर बिल्कुल भी ये आपको ना समझ आते, ना आपको ठीक तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर पाती। तो मैंने यहाँ पर चादर बिछा कर यहाँ पर अब सारे ऑर्गेनाइज किए हैं। अब मैं आपको ये सारे दिखाऊंगी और साथ साथ ये भी दिखाऊंगी कि मेरे पास जो है वो कौन कौन से ब्रांड के जो है वो शूज़ हैं और कौन से लोकल हैं। क्योंकि सब कुछ साथ साथ ही चलता है, बीच में हम लोग ब्रांडेड भी यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोकल भी यूज़ कर लेते हैं, जो भी पसंद आ जाए ले लेते हैं। तो व्यूअर्स, पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे भी सारी लड़कियों की तरह बहुत शौक़ था और अभी तक है शूज़ कलेक्ट करने का। मैंने काफ़ी सारी कलेक्शन इकट्ठी भी की, लेकिन जब मैं शादी के बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई तो मैंने जो है ना अपने बहुत सारे शूज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पाँव जो थे वो ज़रा स्वेल हो गए थे, तो मुझे लगा कि ये अब मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं आएंगे, बिल्कुल भी मुझे पूरे नहीं आएंगे। तो मैंने अपने वो सारे शूज़ अपनी कुछ सिस्टर को, कुछ अपने बाकी रिलेटिव्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो मुझे मेरी नंद ने समझाया कि तुम इनको जो है ना वो से बिल्कुल भी इनको गिफ्ट ना करो किसी को, तुम्हारे पाँव वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, वापस तुम्हारे पाँव भी वैसे ही हो जाएंगे। और वाकई ऐसा हुआ कि जैसे ही महरोज मेरे पास आई है तो मेरे पाँव जो हैं वो बिल्कुल अपनी पहले वाली हालत में आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वो गिफ्ट किए हैं तो गिफ्ट बंदा वापस तो लेता अच्छा नहीं लगता। उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे शूज़ की कलेक्शन है। मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है मैं एक आधा शूज़ जो है वो ज़रूर ख़रीद ही लूँ, तो मैं ख़रीद लेती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी इस कलेक्शन में सबसे प्यारा शूज़ कौन सा लगा है। और आप ये भी बताइएगा कि आप किस तरह के शूज़ पहनना जो है वो। तो जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास ये वाली एक पंप है, ये मैं कैजुअल जब भी कॉलेज में जाती हूँ तो मैं ये वाली पंप अक्सर ही पहन कर जाती हूँ। तो ये वाली जो पंप है ये मैंने स्टाइलो से ली थी। ये वाले जो शूज़ हैं ये मैंने लंडा बाज़ार से लिए थे। ये वाले शूज़ मुझे नहीं याद कि मैंने कहाँ से लिए थे, ये मेरे पास जो है वो शादी से पहले के हैं। लेकिन अभी जो मुझे याद नहीं है कि ये मैंने कहाँ से लिए थे, कौन सी शॉप से। अच्छा जी, ये वाले जो कोट शूज़ है ये मैंने एक लोकल शॉप से लिए थे। मुझे इतने ज़्यादा पसंद है इनका जो स्टाइल है ये वाला चेक वाला, तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा। मैंने एक लोकल शूज़ से ये लिए और मैंने ये ख़रीद लिए। अच्छा जी, ये जो है ये मैंने बोर्डन से लिए थे। ये वाले जो मेरे कोट शूज़ हैं ये भी मैंने लोकल शॉप से लिए हैं।
बहुत प्यारे हैं, बहुत डिसेंट लगते हैं पहने हुए। अच्छा जी, ये वाले जो मैंने फोर एवर से लिए थे, ये वाले जो पम्प्स हैं ये मैंने सर्विस से, और ये वाले पम्प्स भी मैंने सर्विस से लिए हैं। ये जो कैजुअल घर में पहनने के लिए वो पर्पल कलर का जो शूज़ है, ये भी जो है वो मैंने एक लोकल शॉप से लिए थे। ये मैंने बोर्जन से ली थी पिंक शूज़, और ये मेरी माइयों का शूज़ है ये वाला। ये मैंने बहावलपुर से स्पेशल जाके फरीदगेट से लेकर आई थी। ये जी स्टाइलो का शूज़ है, ये बोर्जन का है। ये भी मैंने एक लोकल शू शॉप से जो है वो ये इसे बेस्ट सोल वाला ये शूज़ है, ये वहाँ से मैंने बाय किया था। ये भी एक लोकल शूज शॉप से लिया था, ये भी एक लोकल शॉप से लिया था। ये तीनों मेरे फेवरेट हैं। और ये जो ब्लैक वाला सेंटर वाला है, ये मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि ये मेरी मदर का है जो अब मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनकी हर चीज़ मैं अपने सीने से लगा कर रखती हूँ, और मुझे उनकी तमाम चीज़ें बहुत 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 मैं अपने करीब रखती हूँ। ये जो तीनों शूज़ हैं ये भी मेरी मदर के हैं, उनके गुजर जाने के बाद ये मुझे ही पूरे थे, तो मैंने जो है वो रख लिए अपने पास। तो जी ये देखें, ये वाले शूज़ जो हैं वो मैंने प्रेगनेंसी में, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, ये इतने सॉफ्ट हैं। ये तीनों जो हैं वो बोर्जन के हैं, और मेरी मदर जो हैं वो बहुत सॉफ्ट शूज़ जो हैं वो पहनना पसंद करती थी। तो ये तीनों जूतों ने मेरा प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा साथ दिया है। तो ये तीनों, बल्कि ये और ये तीनों, ये चार जूते जो हैं वो मेरे मोस्ट 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 फेवरेट हैं। इनको मैं कभी खोना नहीं चाहती, क्योंकि इसके अंदर मेरी माँ के कदम लगे हैं। मैं इनको कभी भी जो है वो, ये टूट भी जाएंगे तो मैं इनको संभाल कर रखूँगी। ऑल ओवर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा व्यूवर्स कि आपको मेरे ये वाले शूज़ कलेक्शन जो है वो आपको कैसी लगी है, और ये भी बताइएगा कि आप लोग जो हैं वो किस तरह के शूज़ जो हैं वो पहनना पसंद करते हैं। तो जी ये देखें, अब मैं इसको जिस तरीके से मैंने यहाँ से निकाला है इन शूज़ को, अब मैं वैसे ही इनको उठा के अपनी कबर्ड के अंदर वापस रख लूँगी, और फिर उसके बाद जो है वो मैं शाम का खाना खाऊंगी और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो जी व्यूअर्स, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये शूज़ कलेक्शन जो है वो कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आए होंगे, क्योंकि ये मैंने मुझे बहुत सोबर शूज़ पसंद आते हैं, और मोस्टली लड़कियों को ऐसे ही जूते पहनने का शौक होता है। तो प्लीज़ आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये वाली कलेक्शन जो है वो कैसी लगी है। अब काफ़ी टाइम हो गया है और महरोज़ जो है वो देखें ये भी सो रही है, तो अब मैं जल्दी जल्दी से अपना कमरा समेटूंगी और ये जूते जो हैं इनको उनकी जगह पे रखूंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।